मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 21-22 का वित्तीय बजट पेश किया। इसी क्रम में नगर निगम में नगर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक कर बजट से शहर को होने वाले लाभ और चौमुखी विकास पर चर्चा की गई। बैठक में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित नगर निगम के पदाधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे। आरआई संख्या 1042 में से 1042/1 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आरआई संख्या 1042/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर, आरआई संख्या 1042/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर व आरआई संख्या 142/3 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आरआई नंबर 142/4/1। उसके लिए पूरा रक्षित बजट का इंतजाम सिस्टम में है। अरे भाई पुनरक्षित आप देखिए ना, आपने रखा है इसमें, पिछली बार भी 0 आया था, इस बार भी 0 है, इससे पहले भी 0 था, हम भी अनुमान समझ रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, उपसभापति चुने जाने के बाद हम लोगों ने उपसभापति चुने जाने की इस कार्यकारिणी में पुष्टि की है और साथ ही साथ सभी पार्षदों के अनुरोध पर 30 लाख रुपये का काम वोट पत्र कराने की स्वीकृति की गई। सभी पार्षदों के सहयोग से जो 170 हम लोगों के बोर्ड के आने के पहले 127 करोड़ की लाइबिलिटी थी वो 40 करोड़ रुपये हो गई है। नगर निगम ने अपने इस आर्थिक स्थिति को सुधारा है, इसके लिए सभी हमारे पार्षद और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आगे कोरोना काल को देखते हुए बजट पार्षद निधि से कम किया जाएगा, उसे बढ़ाकर 18 लाख से 30 लाख रुपया